अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंगल 180 है, तो 180 माइनस होगा, तो साइन 180 माइनस ए, फोर्थ क्वाड्रेंट चौथा चतुर्थांश किसका है, कॉस का है, तो ये माइनस होगा और 180 का मल्टीपल है 360, तो 360 माइनस ए जो होगा वो साइन ए के इक्वल आएगा। इसी तरह कॉस 360 माइनस ए, कॉस का क्वाड्रेंट है ये, कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस का साइन लगा लो और फिर किसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर पाई बाय टू मतलब 90 के इवन मल्टीपल को, सम गुणज को अगर हटाएंगे तो फंक्शन के साथ साथ सम गुणज को हटाएंगे तो केवल चिन्ह बदलेगा, और विषम गुणज को आप हटाएंगे तो चिन्ह के साथ साथ फलन भी बदलेगा, जैसा प्रीवियसली हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहां पे 180 का सेकेंड मल्टीपल है ये 360, तो 360 माइनस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, कॉस 360 माइनस ए, चौथा चतुर्थांश जो है वो कॉस का है तो ये प्लस रहेगा, टेन 360 माइनस ए माइनस टेन ए, कॉट 360 दैट इज 2 पाई माइनस ए माइनस कॉट ए, सेक 2 पाई माइनस ए प्लस आएगा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा या माइनस एंगल ए, ये भी माइनस कोसेक आएगा, दैट्स ऑल।